छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को एक महीना पूरा हो गया है। भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही कई ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिससे छत्तीसगढ़ की स्थिति में सुधार के लिए कई काम किए गए। आइए जानते हैं भूपेश बघेल के 15 बड़े फैसले। ये है 15 बड़े फैसले। 1. 16 लाख से अधिक किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ। 2. 25 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी। 3. तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए मानक बोरा। 4. उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से वापस लेकर आदिवासियों को जीवन वापसी। 5. निरस्त वन अधिकार पटों की पुनः जांच। 6. बस्तर सरगुजा प्राधिकरण की अध्यक्षता स्थानीय विधायकों द्वारा। 7. छोटे भूखंड की खरीदी बिक्री से रोक हटाई गई। 8. झीरम घटना की एसआईटी जांच प्रारंभ। 9. नान घोटाले की एसआईटी जांच प्रारंभ। 10. जिला खनिज संस्थान यासों के कार्यों की समीक्षा। 11. महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। 12. चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही व अभिकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण वापसी पर विचार। 13. राजिम कुंभ का नाम माही पुण्य मेला करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित। 14. पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। 15. सरकारी खर्चों में मितव्ययिता के निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को अपने दो मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ शपथ ग्रहण किया था। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 68 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद वापसी की है।